सावधान। हरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोए सबसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्मानाम जैनम चेतु शासिनम जैनम चेतु शासिनम। मंगल में मंगल करन बीते राग बेज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंता दि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदिरा। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भवे दुखानि को करिय सत्यानाश करिय सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामल जी उनके द्वारा रचित यह उनकी मौलिक कृति मुझमा प्रकाशक जी जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, उसके तीसरे अधिकार हमारी चर्चा चल रही है। ये तीसरा अधिकार संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण करने वाला है कि संसार में जीव को कैसे कैसे दुख हैं और वो दुख क्यों हैं और वो मोक्ष रूपी सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, ये बताने के लिए तीसरा अधिकार है। कि अभी हमको यही वहां वासना नहीं है, अभी हमको लगता ही नहीं है कि हम दुखी हैं, कि संसार में दुख भी है ऐसा हमको लगता ही नहीं है। कि जीव दुखी हो रहा है लेकिन फिर भी जीव को लगता नहीं है कि मैं दुखी हूं। वैसी ये बात है तो जीव को ऐसा लगता नहीं है कि मैं दुखी हूं, इसलिए वो दुख की भावभाषा कराने के लिए कि तुम दुखी हो। दुख का कारण तो दूसरे अधिकार ने बता दिया लेकिन तुम दुखी हो और तुम जो उपाय कर रहे हो वो उपाय सच्चे नहीं है, तुम झूठे उपाय कर रहे हो, ऐसा बताकर सच्चा उपाय क्या है ऐसा बताने के लिए ये तीसरा अधिकार है। तो पहले ये तो हम अंदर से ये तो हमें पता चले कि हाँ हम दुखी हैं, अभी हमको ये नहीं लग रहा है कि हम दुखी हैं, और जब तक ये नहीं लगेगा तब तक हम सुख प्राप्ति को नहीं बढ़ सकते। कि दुख को दुख मानना वो सुख प्राप्ति का उपाय है, ये दुख को दुखी नहीं मान रहा है जीव तो फिर सुख प्राप्ति के क्यों जाएगा। कि यही दुख को ही उसने सुख मान लिया तो वो सुख की प्राप्ति क्यों करना चाहेगा, सुख तो मिल गया उसे अब, क्योंकि उसने दुख को ही सुख मान लिया है। जैसे किसी व्यक्ति को डायमंड चाहिए, अब उसको डायमंड चाहिए और उसने उसको एक रास्ते में चमकीला पत्थर मिल गया, तो चमकीले पत्थर को यदि वो डायमंड मान ले तो डायमंड की खोज के लिए वो जाएगा कि नहीं जाएगा, कि नहीं जाएगा। कि अब वो डायमंड की खोज नहीं करेगा, अब वो डायमंड को पाने का प्रयास नहीं करेगा, कोई उपाय नहीं करेगा वो डायमंड को पाने का, क्योंकि उसने उस चमकीले पत्थर को ही डायमंड मान लिया है। तो वैसे ही जो जीव इस संसार रूपी दुख को ही सुख मान ले, या विषयों में दुख है उसको दुख ना मानकर सुख मान ले तो सुख प्राप्ति की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। तो वास्तव में हम सुखी नहीं है, दुखी हैं ये बताने के लिए, और वो सुख कैसे प्राप्त होगा जो हृदय में सुख है, वास्तव में जो सच्चा सुख है वो कैसे प्राप्त होगा वो बताने के लिए तीसरा अधिकार है।
तीसरे अधिकार में हमारी चर्चा अभी कर्मों की अपेक्षा जीव को क्या दुख है उस पर चल रही है, जिसमें ज्ञानावरण दर्शनावरण पर हमने बात की थी, और ज्ञानावरण दर्शनावरण के बाद मोहिनी पर हमारी चर्चा चल रही है। मोहिनी के अंदर भी दर्शन मोहिनी पर बात हो गई है और चरित्र मोहिनी पर बात चल रही है हमारी। चरित्र मोहिनी में हमने क्या देखा अभी तक कि ये जीव जो क्रोध मान माया लोभ नौ नौ कषाय के भाव करता है, उन भावों को करके उसके इसके जो प्रयोजन बनते हैं उन भावों के अनुसार इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए उपाय करता रहता है, लेकिन ना तो कार्य की सिद्धि होना इसके अधीन है और ना वो उपाय होना इसके अधीन है। और फिर हमने लास्ट में का देखा था कि गुण मध्वाचार्य देव ने आत्मानुशासन में लिखा, ये गुण मध्वाचार्य देव है जीव सेनाचार्य के शिष्य है ना, तो जिन्होंने उत्तर प्राण भी लिखा है, उत्तर प्राण के रचयिता है, जो उन्होंने आत्मानुशासन भी लिखा है, तो उस आत्मानुशासन में उन्होंने कहा कि आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिन विस्मम नूपुरम कस्य किम किए दायाति व्यथा वो विषयेषिता। कर में देखा था कि आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी का कितना बड़ा है, कि उसमें तीन लोक की पूरी संपदा भी अणु के समान है और जीव अनंत अनंत है और लोक तो एक ही है, अब किसको कितने हिस्से में आए इसका हमें विचार करना चाहिए, इसीलिए ये विषयों की जो इच्छा है सो व्यथा ही है। व्यथा क्यों है इच्छा, क्योंकि यदि इच्छा के अनुसार कार्य हो जाता तो हम ये कह देते कि इच्छा व्यथा नहीं है, इच्छा उपयोगी है, क्योंकि इच्छा करने से कार्य हो रहा है, लेकिन यहां कह रहे हैं कि वो कार्य भी तेरे अधीन नहीं है और तो इच्छा की पूर्ति के जो उपाय कर रहा है वो उपाय होना भी तेरे अधीन नहीं है, कि क्रोध कषाय के उत्पन्न होने पर तेरी इच्छा तो ऐसी हुई कि मैं दूसरे का बुरा कर दूं, लेकिन दूसरे का बुरा होना भी तेरे अधीन नहीं है और दूसरे का बुरा करने के लिए जो तू उपाय कर रहा है वो उपाय भी बने या वो उपाय भी हो पाए ये भी तेरे अधीन नहीं है। ये बात हमने कल देखी थी। अभी देखो आगे पंडित जी क्या कह रहे हैं कि इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है, इसलिए कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर नहीं होता। जैसे कल बात की थी ना काकतालीय न्याय की, कि यदि काकतालीय न्याय से कोई कार्य सिद्ध हो भी गया तो इसकी इच्छा तो पूरी नहीं हुई, क्योंकि इच्छा तो इसकी क्या है, मैं सर्व को देखूं, सर्व को जानूं, सर्व को सुनूं, सर्व को ग्रहण करूं, सब कुछ करूं, मैं तीनों लोक की सारी वस्तुओं को ग्रहण कर लूं, सबको ऐसा सुनूं, सबको ऐसा जानूं, सबको ऐसा देखूं, इच्छा तो इसकी इतनी है। और काकतालीय न्याय की तरह यदि कोई कार्य सिद्ध हो भी गया एक तो इसकी इच्छा तो पूरी नहीं हुई और दुख का कारण तो इच्छा ही थी, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो सुखी कैसे हो सकता है, सुखी नहीं हो सकता। तो इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है, इसीलिए कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर नहीं होता, अथवा कोई कषाय मिटे तो उसी समय अन्य कषाय हो जाती है, कि यदि कोई कषाय भाव मिट भी जाए तो उस समय ये कोई दूसरी कषाय भाव कर लेता है। जैसे किसी को मानने वाले बहुत हों तो कोई एक जब नहीं मारता तब अन्य मारने लग जाता है, कि जैसे किसी के शत्रु बहुत ज्यादा है, जैसे कोई राजा है, मान लो कोई राजा के बहुत सारे शत्रु हैं, चारों दिशा में उसके शत्रु फैले हुए हैं, अब जब बाकी सारे शत्रु निश्चिंत बैठे आराम से बैठे हैं, कोई उस पर किसी तरह का आक्रमण नहीं कर रहा है, तो कोई एक शत्रु आक्रमण कर लेगा, बाकी शत्रु शांति से बैठे हैं बेशक, है ना। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि मारने वाले बहुत हों तो कोई जब कोई नहीं मारा दूसरा मारने लग जाएगा, कि मारने वाला यदि एक ही हो तो हम ये कह सकते हैं कि जब वो नहीं मार रहा, जब वो आक्रमण नहीं कर रहा है तो वो जीव सुखी है उस समय, लेकिन जब उस पर आक्रमण करने वाले उसको मारने वाले बहुत सारे लोग हैं तो उनमें से कोई ना कोई तो मारेगा, एक नहीं मारा दूसरा मारेगा, दूसरा नहीं मारा तीसरा मारेगा, तो किसी भी समय सुखी नहीं रह सकता। तो जैसे किसी को मानने वाले बहुत हो तो कोई एक जब नहीं मारता तब अन्य मारने लग जाता है, उसी प्रकार जीव को दुख देने वाली अनेक कषाय हैं, कि ऐसा नहीं कोई एक कषाय दुख देने वाली हो, इस जीव को सारी कषाय दुख देने वाली जितनी कषाय हैं 25 की 25,
है ना, क्रोध मान माया लोक की चार चौकड़ी और नौ नौ कसाय, ये सारी कसाय दुख देने वाली है। अब जब एक कसाय नहीं होती दूसरी कसाय हो जाती है, कि उसी प्रकार जीव को दुख देने वाली अनेक कसाय है, वह जब क्रोध नहीं होता तो मानादिक हो जाते हैं। कि जब इस जीव को क्रोध नहीं हो रहा मान लो, तो उससे मान हो गया, मान नहीं हो रहा माया हो गई या रति आदि हो गई, इत्यादि कोई भी कसाय हो सकती है। क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक व जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, इनमें से कोई सी भी कसाय उसको हो सकती है ना। एक समय सारी कसाय तो होती नहीं है, कभी कोई कसाय है कभी कोई कसाय है। कि जब क्रोध नहीं होता तब मानादिक हो जाते हैं, जब मानना हो तब क्रोधादिक हो जाते हैं। इस प्रकार कसाय का सद्भाव बना ही रहता है, कोई एक समय भी कसाय रहित नहीं होता। कि इस संसार में एक भी जीव एक समय भी कसाय से रहित नहीं होता, जो अज्ञानी है, जिसने अपने स्वरूप को जाना उसकी बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ बात किसकी की जा रही है, दुखी। दुखी कौन है? जिसने स्वरूप को नहीं जाना। जिसने स्वरूप को जान लिया है वो जीव क्या काय का दुखी, फिर वो दुखी नहीं है। दुखी तो वही है जिसने स्वरूप नहीं जाना है। जो पत्थर कोई डायमंड मांग के बैठा है वो दुखी है। अब जिसने ये जान लिया कि पत्थर पत्थर है और डायमंड डायमंड है, वो दुखी नहीं है। तो इसलिए अज्ञानी जीव की बात है कि एक समय भी वह जीव कसायों से रहित नहीं है। कि कसायों से रहित का आनंद कैसा होता है उसने जाना ही नहीं है। प्रत्येक समय कसाय करने में लगा हुआ है। तो इस प्रकार कसाय का सद्भाव बना रहता है, जीव एक समय भी कसाय रहित नहीं होता। और एक कसाय ही दूसरी कसाय का कारण बन जाती है। यदि कारण कार्यपने से देखें तो दूसरी कसाय हुई वो पहली कसाय उसका कारण बन गई। कि जैसे हमें क्रोध क्रोध आया कि सामने वाले का बुरा होना चाहिए, और उसी समय अगले समय मान आ गया कि इसको नीचा दिखा दे, इसको इसको नीचा दिखा दे, इसका बुरा हो जाएगा, मैं बड़ा ये छोटा, इत्यादि प्रकार की भावना आ गई उसमें क्रोध कसाय के अंदर ही। तो वो क्रोध कसाय जो थी इस समय पहले, वो अगले समय मान में कन्वर्ट हो गई, तो वो क्रोध कसाय उसका कारण बन गई। तो ऐसा भी इनमें एक कसाय दूसरे कसाय में कारण कारक का संबंध ही बन जाता है। कि एक कसाय दूसरे कसाय का कारण बन जाती है, लेकिन एक कसाय दूसरे कसाय का कारण बन जाती है, इसलिए यह जीव एक समय भी कसाय से रहित नहीं होता। कि आज तक यह जीव एक समय के लिए भी इस कसायों से रहित नहीं हुआ। यदि हो जाता ना एक समय के कसाय से रहित हो जाता, तो इसको खबर पड़ जाती कि कसाय से रहित का आनंद कैसा है, फिर ये कसाय में जाता ही नहीं। ये कसाय में प्रत्येक समय जा रहा है, इसका अर्थ है कि एक समय भी जीव को कसाय से रहित का अनुभव नहीं हुआ आज तक। इसने देखा ही नहीं कसाय से रहित जीव कैसा रहता है। बस मिथ्यात के बस कसायों के बस होकर अनादिकाल से संसार भ्रमण करता आ रहा है। एक समय भी इस मिथ्या से रहित नहीं हुआ आज तक, एक समय भी इन कसायों से रहित नहीं हुआ आज तक। दुख उठा रहा अनादिकाल से, वो आप पंडित जी की लाइन आती है रचना में एक में, मिथ्यात बस अनादिकाल से ही रुल रहा, गति गति में खाके ठोकर में अब तो थक गया, जिन दर्शन से निज दर्शन करके मोह तजूंगा, पाया जिन शासन अब भव का अभाव करूंगा। कि जिन शासन भव का अभाव करने के लिए मिला है और हम भव का अभाव नहीं कर रहे, बताओ। कि जैसे चिंतामणि रत्न किसी को मिले तो चिंतामणि रत्न दरिद्रता मिटाने के लिए मिला है, और वह जीव चिंतामणि रत्न को पाकर भी, जैसे लिखा है पहले अधिकार में कि कोई दरिद्री को
चिंतामणि रत्न देखने को मिले होगा, देखे भी नहीं। क्यों? चिंतामणि रत्न दरिद्रता को मिटाने के लिए मिल रहा है और फिर भी वो देख भी नहीं रहा उसकी तरफ। वैसे ये जिन शासन भी हमको, ये जिनवाणी भी हमको, ये देवशास गुरु हमको उस भव का अभाव करने के लिए मिले और हम देख भी नहीं रहे उनकी तरफ, उनको पढ़ना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, ऐसी दशा हो रही है। इस प्रकार कषाय का सद्भाव बना ही रहता है, कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता कि कोई एक समय कषाय रहित हुआ हो। इसीलिए किसी कषाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख कैसे दूर हो, इसीलिए किसी कषाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख कैसे दूर हो। कि जो ये मानते हैं कि अभी हमारे क्रोध कषाय उत्पन्न हुई है, सामने वाले का बुरा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन यहां तो क्या कह रहे हैं कि किसी कषाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख कैसे दूर हो। कि एक कषाय, यहां क्या कहना चाह रहे हैं पंडित ओडम जी, कि एक कषाय का कार्य सिद्ध हो गया तो भी तुम्हारा दुख दूर नहीं हो रहा है। कि जो तुम ये मान के बैठे हो कि एक कषाय का कार्य सिद्ध होने पर मुझे थोड़ा सा सुख तो मिलेगा, कि नहीं मिलेगा, एक समय भी नहीं मिला सुख, बहुत समय की तो बात ही छोड़ दो। और हमको क्या लगता है, हम दुखी खाए, सुखते तो रह रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, दुखी नहीं है हमको कोई। कि ये जो तुम इस शरीर को अपना मानकर इस संसार में रह रहे हो, ये सबसे बड़ा दुख है, इससे बड़ा दुख क्या रहेगा। अब ये पूरी हो जाए आयु, पुण्य का उदय है तो तुमको खाने पीने को सब मिल रहा है, अच्छे से मिल रहा है, पुण्य का उदय गया, देव दुखी होते हो कि नहीं होते हो, पे विचार करके देखे हम खुद ही कि हमको जैसा लग रहा है कि हम तो घर में आराम से बैठे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पी रहे हैं, गर्मी के दिनों दिन है तो कूलर एसीओ में बैठे हुए हैं, हर चीज हमको मिल रही है, जो हम खाना चाहते हैं मिल जाता है हमको, खाने को हर चीज तो मिल रही है हमको खाने को, हम दुखी कहाँ हैं, कि दुखी है ही नहीं हम तो। कि विचार करके देखो तुम अपने जीवन में दुखी हुए हो कि नहीं हुए हो, अभी भी तुम दुखी तो अभी भी हो, लेकिन तुमको सुख का आभास हो रहा है, तो सुख का आभास हो रहा है अभी, नहीं विचार करके देखो कि हम कभी दुखी हुए कि नहीं हुए, दुखी हुए हैं तो आगे दुखी हो जाएंगे अभी हम, और अभी हमको जो सुख का आभास लग रहा है वो भी दुख का ही कारण है, वो भी दुखी है, सुख नहीं है। क्यों नहीं है सुख? कि अभी हमको ऐसा लग रहा है कि हम अच्छे से घर में बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आराम से कूलर एसी मिल रहे हैं, सब चीजें मिल रही हैं, अभी लाइट चली जाए बताओ दुखी हो गए कि नहीं हो गए? कूलर एसी तो है तुम्हारे पास, सब चीजें हैं, दुखी हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? अभी तुम्हारी खाने की इच्छा हो रही है कुछ, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है, तुम खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे ढंग से, तो दुखी हो कि नहीं हो? कि ये सारे अनुकूल संयोग भी पुण्य की वजह से मिल जाते हैं, पुण्य का उदय तो अनुकूल संयोग मिल भी जाते हैं, और जब पाप का उदय हो तो अनुकूल संयोग चले भी जाते हैं, रहते नहीं है। सुबह को राजा बनने वाले शाम को रंग हो जाते हैं, ऐसी दशा है जीव की। एक समय पहले जिसके घर में खुशियां मनाई जा रही हैं, उसके घर में ही अगले समय पता चला मातम बन रहा है, ऐसी घटना बहुत सारी सुनने को मिलती है कि आज उसके घर में बच्चे ने जन्म लिया, खुशियां मनाई जा रही हैं, और पता चला 2 घंटे बाद ही बच्चे की डेथ हो गई, मातम छा गया। किसको सुख कहें हम, किसको सुख मांग के बैठे हो तुम? कि जिसको हम सुख मांग के बैठे हैं वो सुख नहीं है वास्तव में, क्योंकि कहा ना कि सुख की तो उसको खबर ही नहीं है कि सुख है क्या है, बस इंद्रिय के सुखों को सुख मांग के बैठा है। और जब तक इन इंद्रिय के सुखों की ही कामना करते रहेंगे, इच्छा करते रहेंगे, तब तक ये दुख दूर होने वाला भी नहीं है। इंद्रिय सुख सुख नहीं है, दुखी है, ऐसा जानने का नाम है स्वाध्याय करना।
कि तत्व चिंतन करके पहले ये निश्चय करो कि इंद्रियों में सुख नहीं है, इंद्रिय सुख सुख नहीं है, ये निश्चय करो पहले। ये निश्चय नहीं किया तो फिर तो तुमने ये जाने नहीं कि सुख क्या है दुख क्या है। सो दुख की बात बेशक कर लो लेकिन सुख क्या उसको तुम जानते नहीं। अरे जो स्वाध्याय या तत्व चिंतन किया है वो तो ऐसी भावना आता है इंद्रिय सुखों की कामना अब है नहीं मन में, उपसर्गों की परवाह नहीं जाकर बसू बन में, निर्द्वंद हूँ स्वभाव से निर्द्वंद रहूंगा, नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया जिन शासन अब भव का अभाव करूंगा, झूठे प्रपंचों में फंस कर दुख अब ना सहूंगा, नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। ऐसा ही झूठे प्रपंच ऐसा है जितने इंद्रिय के सुख हैं। हम इच्छा कर कर के कसायों को सिद्ध करने के लिए कि कसाय की वजह में जो हमारे प्रयोजन हो रहे हैं उनकी सिद्धि के लिए हम प्रत्येक उपाय करने में लगे हुए हैं लेकिन आज तक सुखी नहीं हुए। इसलिए यहाँ कहा कि किसी कसाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख कैसे दूर हो कि दुख दूर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता कि अभी आपको मां कसाय जागृत हुई कि आपको लगा कि साने वाला नीचा दिखे मैं ऊंचा दिखू, कि मैं सबसे बड़ा कहलाऊं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, तो लौकिक के तुमने बहुत बड़े बड़े पदवी अनंत बार पा ली है। जैसे अभी है ना, जैसे मान लो मुकेश अंबानी है या और भी जो अमीर व्यक्ति हैं, तो ऐसे बड़े बड़े पद तुमने अनंत बार पा लिए, एक बार नहीं पाया अनंत बार पाया है, अनंत बार तुमने जिन जिन पोस्टों को जिन जिन पदों को तुम पाना चाहते हो अनंत काल से भ्रमण करते करते पता नहीं तुमने कौन कौन से पद कितनी कितनी बार पाया, अनंत अनंत बार पद पाया तुमने, अनंत का भी चुका तुम्हारा इस लोक इसमें अनादिकाल से घूम रहे हो तुम संसार में। तो यदि उस पद को पा जाने से जीव सुखी हो गया होता तो फिर आप दुखी क्यों हो रहे हो तुम, क्योंकि जिस पद को तुम पाना चाह रहे हो आज उस पद को तुमने अनंत बार पा लिया है, अनंत बार पा पा के छोड़ा है उसको, हम विचार ही नहीं करते। आगे में आता है कि इन जिन भोगों को तुम भोगना चाह रहे हो ये भोग तो तुमने बहुत बार भोग लिए, ये तो ऐसा है जैसे तुमने कुछ भोजन किया और उसकी वॉमिटिंग हो गई और उसको दोबारा ग्रहण कर रहे हो, ऐसे तुम इन पदों को इन पैसे को धन को मकान को गाड़ी को स्त्री को पुत्र को इन सब को जो तुम ग्रहण करना चाह रहे हो भोगना चाह रहे हो पुत्र में अनंत बार भोगा है। जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा है वे ही भोग नहीं नवीन चित्त है मोड़ा। चित्त कौन मोड़ेगा, जिसने स्वरूप की खबर की होगी। जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा है बे ही भोग नहीं नवीन चित्त है मोरा, अज्ञान बस उत्थिस भोगी अब न बनूंगा, नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया जिन शासन अब भव का अभाव करूंगा। वो अच्छी रचना ये भी, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे उसमें एक लाइन आती है इसी से संबंधित, संयोगों को मैंने वर्ण किया अनंतों बार, वियोग के दुख से जहां टूटे सदा पहाड़, निश्चय किया अतएव ज्ञान स्वभाव बरूंगा, नरभव मेरा है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। कि संयोगों को जिन संयोगों को पाकर हम सुख पाना चाह रहे हैं, कि जिन कषायों के वशीभूत हुए हम जिन संयोगों को पाना चाह रहे हैं, जैसे रति कषाय का उदय हुआ तो रति कषाय के उदय में हम इष्ट संयोगों को पाना चाह रहे हैं,
तो ऐसे इष्ट संयोगों को तुमने रंतों बार पाया है। भय कसा उत्पन्न होने पर जिस अनिष्ट के कारणों को तुम दूर करना चाह रहे हो, ऐसे कारणों को तुमने रंतों बार दूर किया है। माया कसाय जी, तुम जिन कार्यों की सिद्धि करना चाह रहे हो उन कार्यों की सिद्धि तुम्हें अनंतों बार कर चुके हो, तुम्हें इन कार्यों की सिद्धि भी ले सुखी नहीं हुए आज तक हम। इसलिए लिखा कि किसी कसाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख कैसे दूर हो, कि किसी एक एक कसाय का कार्य सिद्ध होने पर भी जीव सुखी नहीं हो रहा है। और जीव की इच्छा तो कितनी है, और इसका अभिप्राय तो सर्व कषायों का सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का है। किसका अभिप्राय तो क्या है कि जितने भी कषाय भाव हैं उन सारे कषाय भावों के सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाएं। कि किसी पर ये क्रोध करता है, किसी को बुरा चाहता है, किसी को नीचा दिखाना चाहता है, किसी से ये छल पूर्वक कार्य की सिद्धि करना चाहता है, इष्ट वस्तु की प्राप्ति करना चाहता है, अनिष्ट वस्तुओं को दूर करना चाहता है, स्त्री वे पुरुष वे नपुंसक वेग के अनुसार परिणमन करना चाहता है, जुगुप्सा के कारणों को दूर करना चाहता है, घृणा के कारणों को दूर करना चाहता है, भय के कारणों को दूर करना चाहता है, शोक के कारणों को दूर करना चाहता है। अभिप्राय तो उसका यह है कि सारी इच्छा जितनी है मेरी सारी इच्छा पूरी हो जाए। किसका अभिप्राय तो सर्व कषायों का सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का है, कि सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाने चाहिए। यह हो तो यह सुखी हो। किसकी सुखी होने की क्या शर्त है कषायों के साथ, किसके जो कषाय भाव हो रहे हैं उनके साथ इस संसार में सुखी होने की एक ही शर्त है। क्या शर्त है कि इसके जितने भी कषाय भाव हैं उन सबके प्रयोजन सिद्ध हो जाए तो ये जीव सुखी हो सकता है। और कोई दूसरी कंडीशन तो नहीं है, ये कंडीशन है। कंडीशन अप्लाई, क्या कंडीशन अप्लाई है सुखी होने के लिए, कि जितनी उसकी इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाए तो ये सुखी हो सकता है। उसकी इच्छा कितनी है, आशा रूपी गड्ढा, याद रखो आशा रूपी गड्ढा कितना है। तो ये जो कंडीशन है वो कंडीशन कभी आएगी कि नहीं आएगी, कि ये कंडीशन कभी भी अप्लाई नहीं हो सकती। यदि कंडीशन अप्लाई हो जाए सुखी हो जाएगी जीव, ये तो गारंटी की बात है सुखी हो जाएगा वो, ये कंडीशन अप्लाई हो जाए तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती, कि इसकी सारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती इस साथ। किसका अभिप्राय तो सर्व कषायों का सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का है, यह हो तो यह सुखी हो, परंतु वह कदापि नहीं हो सकता। ऐसा नहीं लिखा कभी तो हो सकता है, कि कदापि नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी जीरो है उसकी बिल्कुल। जैसे कल हमने बात की थी ना अन्य प्रयाओं की प्राप्ति काकतालीय न्याय 0.00001, ऐसी प्रोबेबिलिटी भी नहीं है इसकी कि इस प्रकार सुखी हो जाए, कि कदापि नहीं हो सकता, तीन कारण संभव नहीं है कि इस प्रकार सुखी हो जाए ये जीव, कि तीन कारण संभव नहीं है कि इसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, इसके सारे कषायों के जितने प्रयोजन है वो सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाए इस साथ, ऐसा तीन कारण ही संभव नहीं है उनको सिद्ध करने में जिन्हें भगवान की समझ नहीं है। तो हमारी कुमारी तो क्या बात, कि इसीलिए किसी कषाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर दुख कैसे दूर हो, और इसका अभिप्राय तो सर्व कषायों का सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का है, वह हो तो यह सुखी हो, परंतु वह कदापि हो नहीं सकता, इसीलिए अभिप्राय में सर्वदा दुखी ही रहता है। कि इस प्रकार अभिप्राय में ये हमेशा दुखी ही रहता है, ये आज तक सुखी नहीं हुआ। इत्यादि एक प्रकार से हम विचार करें कि जीव
सुखी कहाँ हो रहा है, किस प्रकार सुखी हो रहा है, किसके अभिप्राय में, तो प्रत्येक समय ये बना हुआ है कि ये भी सिद्ध हो जाए, ये भी सिद्ध हो जाए, ये भी सिद्ध हो जाए। अब वो सब सिद्ध हो नहीं रहे, इसीलिए अभिप्राय में हमेशा दुखी बना ही रहता है। अनेक प्रकार की इच्छा करने में लगा हुआ है, मैं ऐसा कार्य कर दूं, मैं ऐसा कार्य कर दूं, दूसरे ऐसा कर रहा है, दूसरे से अधिक कर दूं, कि जैसा कार्य दूसरे ने आज तक नहीं किया वैसा कर दूं। मकान बनवाना है तो 10 मकानों को दिक्कत आएगा पहले, कि आस पड़ोस के जितने मकान हैं उन सारे मकानों से अच्छा मकान बनवाना है मुझे। जी की प्रवृत्ति है ये, प्रत्यक्ष आपने अनुभव की होगी कि वो मकान बनाने से पहले 10वीं मकानों को देखकर आएगा, अपने आस पड़ोस के मकानों को, दूर के मकानों को भी, कि मैं सबसे अच्छा मकान बनवाऊं, इससे अच्छा दिखना चाहिए। लेकिन भाई वैसा मकान बनना भी तेरी इच्छा के आदि नहीं है, कि तूने इच्छा तो कर ली वैसे मैं सबसे अच्छा मकान बनाऊं, लेकिन भविष्य बेहतर नहीं होगी तो ऐसा मकान बनेगा ही नहीं। उसका अभिप्राय तो ऐसा रहा कि वह ऐसा मकान बनना चाहिए, ऐसा मकान नहीं बना, तो प्रत्येक समय दुखी रहता है, दूसरा मकान देख देख के दुखी होता है, ऐसा सोचा था मैंने, ऐसा मकान नहीं बनवा पाया, ये हो गया, उस समय ऐसा हो गया, उस समय वैसा हो गया, लेकिन ये विचार नहीं करता कि मेरे आदिन नहीं था, बाकी सारे विचार करता रहता है। इसलिए अभिप्राय में सर्वदा दुखी ही रहता है, इसीलिए कषायों के प्रयोजन को साधकर दुख दूर करके सुखी होना चाहता है, सो यह उपाय झूठा ही है। कि यह जीव क्या करना चाहता है कि कषायों के प्रयोजनों की सिद्धि करके दुख को दूर करके सुखी होना चाहता है, तो इसका यह उपाय कैसा रहा, झूठा उपाय रहा, क्योंकि इस उपाय से तो कोई भी कभी भी सुखी नहीं हो सकता, ना कोई हुआ है, ना हो रहा, ना कोई होगा। इस प्रकार से तो इसीलिए कषायों के प्रयोजन को साधकर दुख दूर करके सुखी होना चाहता है, सो यह उपाय कैसा है कि यह उपाय झूठा ही है, यह उपाय किसी प्रकार भी सच्चा नहीं है। तो सच्चा उपाय क्या है, ये बात आती है कि आपने कह दिया कि ये उपाय तो झूठे हैं, तो ये उपाय झूठे हैं यदि, तो सच्चा उपाय क्या है वो तो बताओ। तब तो सच्चा उपाय क्या है, शंका है, एक प्रश्न उठाया पंडित जी ने कि सच्चा उपाय क्या है, और उसका उत्तर बताएंगे कि सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धा और जानना हो, तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे, तथा उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभाग हीन हो। कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से जब ये इसका श्रद्धा सच्चा होगा, जब ये सही जानेगा, जब ये जानेगा कि जगत में कोई भी पदार्थ इष्ट या अनिष्ट नहीं है, ना तो कोई इष्ट है और ना ही कोई अनिष्ट है, कि जिनको मैं अब तक इष्ट या अनिष्ट मानकर उनको पाना चाह रहा था या दूर करना चाह रहा था, ये सब तो कैसे निकले, ये तो इष्ट अनिष्ट है ही नहीं, ये तो सुख दुख देने वाला है ही नहीं। कि जिनको मैं सुख दुख देने वाला मान रहा था वो तो सुख दुख देने वाले है ही नहीं, ऐसा जब जानेगा तब ये इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटेगी। कि जब उसने ये जाना कि सारी वस्तुओं का परिणाम अपने अपने आदि ना, तुम्हारे मेरे आदि नहीं है, स्वयं में मैं सर्व वस्तु में सदा परिणमित होती है, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में व्यर्थ कल्पना झूठी है, धीर वीर हो मोह भाव तज आत्म अनुभव किया करो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो चिदानंद रस सहज पियो। कि ये जब वो जानेगा इस चीज को कि देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न कहो अहो,
नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। ऐसा जब वो जानेगा, उस परिणमन की स्वतंत्रता को जानेगा, वस्तुओं का स्वरूप जानेगा, तब इसकी वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटेगी। और जब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटेगी तो कषाय मिटेंगी, क्योंकि देखो जितनी भी कषाय हो रही है इसको, वो सारी की सारी कषाय इष्ट अनिष्ट बुद्धि की वजह से हो रही है। कोई सी भी कषाय उठा के देख लो, क्रोध कषाय हो रही है दूसरे का बुरा हो जाए, क्यों? कि दूसरे को अनिष्ट जान रहा है, अपना अच्छा होना इष्ट मान रहा है और दूसरे का बुरा होना अपने लिए अच्छा मान रहा है, कि मेरे लिए तो इष्ट है ये, दूसरे का बुरा हो जाए। तो ऐसे इष्ट अनिष्ट बुद्धि से क्रोध हो रहा है। मान में सैम को ऊंचा दिखाना और दूसरे को नीचा दिखाना, मीन सैम को इष्ट मानकर ऊंचा दिखाना और सामने वाले को इष्ट मानकर नीचा दिखाना, ये भी इष्ट अनिष्ट बुद्धि से हो रहा है। माया में भी कार्य की सिद्धि करना चाह रहा है इष्ट जानकर, लोभ में इष्ट वस्तु की प्राप्ति करना चाह रहा है, रति में इष्ट वस्तु को पाना चाह रहा है, अरति में अनिष्ट वस्तु को दूर करना चाह रहा है। तो ये जितनी कषाय हो रही है वो सबकी सब इष्ट अनिष्ट बुद्धि के कारण हो रही है। और जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से इसका श्रद्धा सच्चा हो गया, इसने जैसा का वैसा, जैसा परिणाम वैसा जान लिया, जिसे आया था ना पहले कि मिथ्या में क्या कह रहा था कि वस्तु जैसी है वैसी नहीं जानता और जैसी नहीं है वैसी जानता है, तो दुखी रहेगा। और ऐसी ऐसा जैसी वस्तु है उसको वैसा जान ले तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे, उसके बिना इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटना संभव नहीं है। तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे और उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभाग हीन हो। तो उसी के बल से क्या हो कि चारित्र मोह का जो अनुभाग है वो हीन हो जाएगा, कि उसकी इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटेगी। तो ऐसा होने पर कषायों का अभाव हो, कि ऐसा जब होगा तो इसकी कषाय अभाव मिटेंगे, कि जब वो ये जानेगा कि ये कार्य मेरी इच्छा से नहीं होते, ये कार्य मेरे कषाय भाव को मिटाने में समर्थ नहीं है। ऐसा जब वो जानेगा कि इन कषायों को मिटाने का उपाय पर पदार्थों में नहीं है, पर पदार्थों को लाने से या पर पदार्थों को दूर कर देने से मेरे कषाय भाव नहीं मिट रहे, ऐसा जब जानेगा तो कषाय भाव दूर हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे जब तक। क्योंकि अब उसने ये जान लिया कि कषाय को मिटाने का उपाय भाव में नहीं है, तो कषाय को मिटाने का उपाय कहां पर है? कि कषाय के मिटाने का उपाय तेरे स्वरूप में ही है, भाव नहीं है कहीं पर। और जब ये कषाय मिटाने का उपाय मेरे स्वरूप में है तो मुझे भाव करना नहीं कुछ भी, और जब भाव कुछ करना नहीं रहेगा तो कषाय अपने आप मिट जाएगा। इसलिए प्रथम में तो क्या करना है कि सम्यक दर्शन ज्ञान करके वस्तु को जैसी है उसको वैसी जानकर इष्ट अनिष्ट बुद्धि को मिटाना है। उस इष्ट अनिष्ट बुद्धि को मिटाने पर चारित्र मोह का अनुभव अपने आप ही हीन हो जाएगा, और ऐसा होने पर ही कषायों का अभाव हो, तब उनकी पीड़ा दूर हो और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे, कि फिर इसको प्रयोजन भी कुछ नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा प्रयोजन? कि पहले तो ये जानता था कि मेरे करने से दूसरे का बुरा हो जाएगा, मेरे करने से दूसरे की बेइज्जती हो जाएगी, मेरे करने से इष्ट वस्तु मेरे पास आ जाएगी, मेरे करने से इष्ट वस्तु दूर हो जाएगी। नहीं, अब ये जानता है कि मेरे करने से कुछ होने वाला नहीं है, मेरे करने से बुरा होगा नहीं किसी का, मेरे करने से सामने वाला नीचे दिखाई नहीं देगा, मेरे करने से इष्ट वस्तु आएगी नहीं, मेरे करने से इष्ट वस्तु जाएगी नहीं। कि इष्ट अनिष्ट की व्यवस्था तो कैसी है? कि पुण्य पाप के अधीन है। कि पुण्य का उदय होता है तो इष्ट संयोग मिल जाते हैं, और पाप का उदय होता है तो अनिष्ट संयोग मिल जाते हैं। ऐसा जानकर उसका कुछ प्रयोजन नहीं रहेगा। कि ऐसा होने पर कषायों का अभाव हो, तब उनकी पीड़ा दूर हो और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे। निराकुल होने से महासुखी हो, उसका नाम है निराकुलता। कि जब उसको कोई प्रयोजन नहीं रहेगा, कभी तो उसको प्रयोजन है कि मैं ये कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं,
और जब ये करने का भाव खत्म हो जाएगा तो जीव निराकुल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं समदृष्टि जीव निराकुल भाव सुखी होता है कि समदृष्टि जीव ग्रस्त अवस्था में रहते हुए सुखी कहा गया उसको, क्योंकि उसके कर्तृत्व की भावना नहीं है। वो कुछ ऐसा नहीं कहता कि मेरे करने से हो जाएगा, ऐसा नहीं मानता वो कि जो होता है उसको सहज रूप से स्वीकार करता है। कर्तृत्व की भावना नहीं रहती कि जहां कर्तृत्व ममत्व की भावना है वहां जीव आकुल है, और जहां ये कर्तृत्व ममत्व मिटा वहां जीव निराकुल हो गया। कि मुनिराजों के निराकुल पनाया किस लिए है, क्योंकि उनके कर्तृत्व ममत्व नहीं है। कर्तृत्व ममत्व नहीं है, वस्तुओं में इष्टनिष्ठपना नहीं है। वो इष्टनिष्ठपना भी कर्तृत्व महत्व बुद्धि के कारण आता है। तो कर्तृत्व महत्व बुद्धि जाएगी, वस्तुओं में इष्टनिष्ठ की मान्यता जाएगी, तो जीव का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा, और जो कोई प्रयोजन नहीं रहेगा तो जीव सुखी हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान, यथावत यानी जैसा है वैसा, कि वस्तु जैसी है वैसी, परिणाम जैसा है वैसा, संसार जैसा है वैसा, यथावत श्रद्धान और यथावत जानना हो तब इष्टनिष्ठ बुद्धि मिटे, और उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभाग हीन हो, ऐसा होने पर कषायों का अभाव हो तब उनकी पीड़ा दूर हो, और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे, निराकुल होने से महासुखी हो। इसीलिए सम्यक दर्शन आदि ही यह दुख मिटने का सच्चा उपाय है, दूसरा और कोई सच्चा उपाय नहीं है। कि सम्यक दर्शन आदि ही इन दुख को मिटने का सच्चा उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। कि बाकी सारे उपाय झूठे हैं, बाकी किसी उपाय से भी ये दुख दूर होने वाला नहीं है, आज तक हुआ नहीं है और आगे होगा भी नहीं, लेकिन ये सम्यक दर्शन आदि ऐसा उपाय है, इसको ग्रहण करने से दुख तुरंत दूर हो जाता है, टाइम नहीं लगता। फिर मोक्ष में की प्रथम सीढ़ी, कि पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन ये, और इसके होने से दुख अपने आप मिटता है। कि दुख को मिटाने का ये सच्चा उपाय है, दूसरा कोई सच्चा उपाय नहीं है, दूसरे किसी भी उपाय से ये दुख मिटने वाला नहीं है। कितने उपाय करके देख लो, जो जो उपाय तुम कर सकते हो सारे उपाय करके देख लो, दुख दूर हो जाए तो हमको बताना कि दुख दूर नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष ही वाली बात। इसलिए यहां कहा कि भैया इष्टनिष्ट बुद्धि को मिटाओ, इष्टनिष्ट बुद्धि को मिटाकर वस्तु जैसी है उसको वैसी मानकर कर्तृत्व मत बुद्धि को मिटाओ, सम्य दर्शन आदि ग्रहण करो, उसी से दुख दूर होगा, उसी से संसार भ्रमण मिटेगा, उसी से यह जन्म मरण का चक्र हटेगा, उसके बिना यह जन्म मरण का चक्र भी हटने वाला नहीं है। अनादिकाल से जन्म मरण का चक्र चला आ रहा है हमारे साथ, हम चक्र को चलाने में लगे हुए हैं, जन्म मरण के चक्र को, और चलाते रहेंगे यदि हमने उपाय नहीं किया तो। इसीलिए सम्यक दर्शन आदि ही इस दुख को मिटने का सच्चा उपाय है, दूसरा कोई भी उपाय सच्चा नहीं है। इसे जैसे बने तैसे इस सम्यक दर्शन को ग्रहण करना। अच्छा, अमृत संधि में लिखा समय साकाश में कि मरकर भी वेद ज्ञान पाओ तो वेद ज्ञान पा लेना, मरकर भी। और क्या सब्जी में मिले, वो उन्होंने यही सब्जी में लिया, मरकर भी तुम हो जाना। कि मरकर भी निज में होना पड़े तो निज में हो जाना, वो निज में होना श्रेष्ठ है, निज से बाहर भटकना किसी प्रकार भी श्रेष्ठ नहीं है। निज से बाहर जितना ही भटकोगे, वस्तु को जैसे वैसे नहीं जानोगे तो इष्टनिष्ठ बुद्धि हुई बिना नहीं रहेगी, और इष्टनिष्ठ बुद्धि होगी तो कषाय भाव हुए बिना नहीं रहेगी, और कषाय भाव होगा तो दुख हुए बिना नहीं रहेगा।
तो ये सब एक एक दूसरे के पूरक हैं। वस्तु को जैसी की जैसी नहीं जानना वो इष्टनिष्ट मानने का कारण, इष्टनिष्ट मानना वो कषाय भाव का कारण, और वो कषाय भाव दुख का कारण। तो दुख मिटाना भी क्या करना पड़ेगा, कषाय मिटानी पड़ेगी। कषाय कैसे मिटाएंगी कि इष्टनिष्ट की जो मान्यता है उस मान्यता को मिटाएंगे तो कषाय भाव मिटेगी। और इष्टनिष्ट की मान्यता कैसे मिटेगी कि वस्तु जैसी है उसको वैसी जान लोगे तो इष्टनिष्ट की मान्यता मिट जाएगी। तो दुख को मिटाने का ये उपाय देखें ओवरऑल क्या रहा, वस्तु जैसी है उसको वैसी जानना था, सम्यक दर्शन आदि, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए ये सम्यक दर्शन आदि ही यह दुख मिटने का सच्चा उपाय है, दूसरा और कोई सच्चा उपाय नहीं है। अब तक जो भी सिद्ध हुए या आगे होंगे उसकी यदि हम कलत देखें, भेद विज्ञान अतः सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन है, अस्त एव अभाव तो बद्धा, बद्धा ये किल केचन है। कि अब तक जो भी सिद्ध हुए या आगे होंगे वो सब महिमा जानो तुम भेद ज्ञान की, और जो इस संसार में भटक रहे हैं भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। कि दुखी हो रहा है जी भी भेद ज्ञान के अभाव से हो रहा है, इस समय दर्शन के अभाव से हो रहा है दुखी। तो जिसके अभाव से दुखी हो रहा है उसके सद्भाव से ही सुखी हो सकता है। जैसे लौकिक में भी हम जिस कारण से दुखी होते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि ये वस्तु मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, वैसे यह जीव इस सम्यक दर्शन के अभाव में दुखी हो रहा है तो सम्यक दर्शन के सद्भाव में सुखी होगा, दूसरी किसी वस्तु से सुखी नहीं हो सकता। कि ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे को जो खिलौना अच्छा लग रहा हो उसी खिलौने को पाकर सुखी होगा, उस खिलौने के अभाव में दुखी है तो उस खिलौने के सद्भाव में सुखी होगा, दूसरे खिलौने से नहीं होगा। वैसे ही सम्यक दर्शन के अभाव में दुखी हो रहा है तो अन्य उपायों से सुखी नहीं होने वाला, सम्यक दर्शन के सद्भाव में सुखी होगा। इसलिए सम्यक दर्शन ही ग्रहण करने योग्य है, वो सम्यक दर्शन ही पाने योग्य है। इसलिए लिखा लास्ट में लिख दी उन्होंने पंडित जी ने लाइन कि इसीलिए सम्यक दर्शन आदि ही यह दुख मिटने का सच्चा उपाय है, दूसरा कोई सच्चा उपाय नहीं है। इस प्रकार जानकर हम स्वयं का श्रद्धान करते हुए वस्तु जैसी है उसको वैसी मानते हुए इष्ट मानता को त्याग कर अपने निस्वरूप की ओर बढ़े, वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े और अनंत सिद्धों के साथ जाकर सिद्धालय में विराजमान हो, तभी वास्तव में इस स्वाध्याय की सार्थकता है, तभी वास्तव में तीसरे अधिकार को पढ़ने की सार्थकता है। यदि मोक्ष रूपी सुख का उपाय जानकर भी हमने मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं किया तो हमसे ज्यादा अभागा कोई नहीं हो सकता। जैसे लिखा ना पहले अधिकार में कि कोड़ी को अमृत पान करने को मिले और वह ना करे तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं हो सकती, वैसे ही मोक्ष रूपी सुख का पाने का उपाय जानकर भी इसका उपाय नहीं करे तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं हो सकती, ऐसी बात है। इस प्रकार जानकर हम अपना श्रद्धा निर्मल करें और मुच्छ मार्ग पर भरें, इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। चिन्वाणी स्तुति।